जसप्रीत बुमराह को गले लगाकर बीच मैदान खुशी के मारे रोने लगे थे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने बुमराह को बताया टीम पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का असली मैच विनर, और बुमराह को लेकर रोहित ने कर दिया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में जसप्रीत बुमराह को क्यों गले लगाकर रोने लगे रोहित शर्मा, बताएंगे आपको आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी जसप्रीत बुमराह को दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। T20 विश्व कप 2024 में भारतीय टीम का सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ था। यह मुकाबला टीम इंडिया की साख बचाने का मुकाबला था, क्योंकि टीम इंडिया का T20 विश्व कप में रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से शानदार रहा है। लेकिन न्यूयॉर्क के नासाउ क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले में भारतीय टीम एक वक्त हार की दहलीज पर खड़ी थी। दरअसल आपको बता दें कि टीम इंडिया ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी की और भारतीय बल्लेबाज 119 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। पाकिस्तान के सामने टीम इंडिया ने जीतने के लिए 120 रनों का छोटा सा लक्ष्य रखा था, और एक वक्त लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले को हार जाएगी। मगर भारतीय टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिने जाने वाले जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान की कमर इस तरह तोड़ी कि पाकिस्तान की टीम मुकाबले में वापसी नहीं कर पाई। जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान के सबसे धाकड़ बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाने का काम किया। जसप्रीत बुमराह ने सबसे पहले बाबर आजम को 13 रनों के स्कोर पर आउट किया, तो इसके बाद खतरनाक दिख रहे मोहम्मद रिजवान को 31 रन पर आउट कर दिया, और इसके बाद तीसरा शिकार उन्होंने इफ्तिकार अहमद को बनाया। अब बुमराह के इन 3 विकेटों के दम पर ही भारतीय टीम ने इस मुकाबले में जीत दर्ज की, जिसके बाद रोहित शर्मा काफी भावुक नजर आए और जसप्रीत बुमराह को गले लगा लिया। इस दौरान रोहित शर्मा काफी भावुक नजर आए। इसके बाद रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह को लेकर कहा कि बुमराह इस वक्त दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं, और उनके गेंदों को खेल पाना बड़े से बड़े बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं रहता है। दोस्तों, आप भी जसप्रीत बुमराह के शानदार प्रदर्शन पर क्या कहना चाहेंगे, आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।